लॉकडाउन के दरमियान पासबाने अदब ने बहुत काम किया, लोगों के लिए घर घर जाकर के खाना भोजन वितरित किया। सर, जो लॉकडाउन के दरमियान जो समस्या आपने देखी उसके ऊपर थोड़ा सा। मैं समझता हूँ कि हम सबको, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, या समाज का कोई आदमी हो, उसको समाज से बहुत कुछ मिला है। आज मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, पहुँचा हूँ, अगर समाज ने मेरी मदद नहीं की होती, मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता, तो शायद मैं कहीं और होता और इस लेवल पर नहीं पहुँच सकता था। तो हमेशा मैं समझता हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, वो सर्वोपरि है। अब कोविड लॉकडाउन में एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि लोग जहाँ थे वहीं अटक कर रह गए, दुकानें सारी बंद हो गई, एसेंशियल कमोडिटीज़ का मिलना मुश्किल हो गया, उसके कारण बहुत सारी जगहों पे भूख की समस्या निर्माण हुई। पैसे आपके पास हैं, सामान नहीं मिल रहा है, आपके पास खाने का सामान है लेकिन आपके पास कैरोसिन नहीं है और आप कैरोसिन या गैस पर खाना बना रहे हैं, बड़ी मुश्किल पैदा हुई। और चूँकि मुझे, मेरा सौभाग्य रहा है कि मुंबई शहर में लंबे समय तक मुझे काम करने का मौका मिला और मैं एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन करीब 3 साल तक रहा हूँ, उस एरिया में तो मज़दूर बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि मुंबई में अगर आप देखिए, जो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे हम देखते हैं, चाहे चमड़ों का काम हो, चाहे वो जरी का काम हो, कपड़ों की स्टिचिंग का काम हो, एम्ब्रॉयडरी का काम हो, और इस ढंग से जो छोटे मोटे बहुत सारे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो मोस्टली इन्हीं स्लम एरियाज़ में चल रहे हैं। चाहे वो धारावी हो, चाहे वो शिवाजी नगर हो, गोवंडी हो, मानखुर्द हो, चीता कैंप हो, इधर सोनापुर की तरफ ले जाएँ, कुर्ला की तरफ चले जाएँ। अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या निर्माण हुई, क्योंकि उस एरिया में मैंने काम किया था तो मुझे उसका थोड़ा अंदाज़ा भी था। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि हम रिसोर्सेस को जमा कराएँ और ये लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट करें खाने के रिसोर्सेस। और मैं समझता हूँ कि उसमें क्रेडिबिलिटी खुद की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरी खुद की या जो संस्था पासबाने अदब, उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी थी कि लोगों ने उसे एसोसिएट होना स्वीकार किया। और हम लोग हर रोज़ 30,000 फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और ये सिलसिला 2 महीने तक चला। और मुझे खुशी है कि माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र ने भी इसकी बड़ी तारीफ की है। अभी आपको मालूम है कि 10 दिन पहले राजभवन में एक भव्य कार्यक्रम में ऐसे तमाम लोग जिन्होंने कि इस लॉकडाउन में मदद की थी, उनका सत्कार और सम्मान किया गया ऑनरेबल गवर्नर के हाथों से, कोश्यारी साहब के हाथों से, और बड़े बड़े कंपनीज़ के CEO, CMDs, EDs ये वहाँ मौजूद थे।